नमस्कार, मैं अमित कुमार झा टकरा खरारी क्षेत्र का निवासी हूँ। आज मेरे लिए सच में ये बहुत खास दिन है क्योंकि आज मेरा चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है। मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग की 6वीं सिविल सेवा परीक्षा को पास किया है और झारखंड प्रशासनिक सेवा में मेरा पूरे झारखंड में 13वां रैंक आया है। मैं इस खुशी को बयां नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस संघर्ष के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो सब कुछ बातें यहाँ बताई नहीं जा सकती, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि जो कोशिश करते हैं उनकी सच में कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय साहब की एक दो पंक्तियां बताना चाहूंगा कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कुल मिलाकर के 10 बार UPSC कमांड डिफेंस सर्विसेज का SSB इंटरव्यू दिया है, इसमें से एक बार मैंने CAPF एग्जामिनेशन भी UPSC का क्लियर किया था, पर दुर्भाग्य ये था कि मेरा सिलेक्शन कभी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया। मैं लगभग टूट चुका था, ये मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद थी और JPSC का मेरा ये पहला प्रयास था, और ईश्वर के घर में कहा जाता है कि देर है पर अंधेर नहीं। मेरा अंततः चयन हुआ। मैं वर्तमान में पुणे में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थापित हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये सफलता तब तक बड़ी सफलता नहीं मानी जाएगी जब तक मैं ग्राउंड पे कुछ समाज के लिए परिवर्तन ना कर दूँ। और मेरा उम्मीद यही रहेगा कि जिस संस्कारों से मेरे पिता ने, मेरे परिजनों ने, मेरे नाना जी ने, मेरे नानी ने मुझे पाला है, मैं उन संस्कारों को उपयोग करके मैं समाज के लिए कुछ परिवर्तन ला सकूं, ताकि तब मेरे समाज को मुझ पर गर्व हो सके। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पिता श्री वीरेंद्र झाल जी का कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे परिजनों का, मेरे नाना जी का, मेरे मामा जी का एवं मौसी, माँ, मेरी मम्मी, साथ ही साथ मेरे परम पूज्य गुरु जी, जिनका मैं दिल से आदर करता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे, डॉक्टर अजय सिंह का, कि आपका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं सारी बातों को कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत आभार कि मुझे ये मौका मिला, और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपने क्षेत्र में अपनी बात को इस प्रकार से रख पा रहा हूँ, वो भी अपने इस अचीवमेंट के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया।